पीएचडी की 1254 सीटों पर एडमिशन के लिए मार्च में शुरू हो रहा है एंट्रेंस प्रोसेस। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने व पीएचडी डिग्री के इच्छुक अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर है, बॉटनी में सबसे अधिक 185 सीटें खड़ी और नागपुरी में एक एक सीटें। यूनिवर्सिटी प्रशासन 5 साल बाद पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए मार्च माह में एंट्रेंस प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। राज्य विश्वविद्यालयों में जिन 30 विषयों में पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है, उसमें 7 विषयों में एक भी सीट खाली नहीं है। वहीं 23 विषयों में 1254 पीएचडी सीटों पर एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए मार्च से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपको बताते चले कि सबसे अधिक पीएचडी एडमिशन सीटें बॉटनी विषय की हैं, इसमें 185 सीटें खाली हैं। वहीं सबसे कम एडमिशन सीटें कुरमाली और नागपुरी विषय में हैं। इन दोनों विषयों में एक एक पीएचडी सीट पर एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी लंबे समय पर पीएचडी कोर्स में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 7 विषयों में एक भी सीट खाली नहीं रहने से संबंधित विषय के अभ्यर्थी निराश हैं। पीएचडी कोर्स के लिए 7 विषयों में एक भी सीट नहीं है, जिसमें मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, खड़िया, पंचपरगनिया और खोटा विषय शामिल है। उपरोक्त सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। जनजातीय भाषा के अंतर्गत कुल 9 विषयों की पढ़ाई होती है, जिसमें सिर्फ 2 एडमिशन की सीटें हैं। अभ्यर्थियों को एंट्रेंस पास करना होगा। अभी तक 50% अंक लाने वाले हो सकते हैं पास। यूजीसी से कोटा तय, इसलिए नहीं मिलता है रिसर्च गाइड। राज्य विश्वविद्यालय में अब पीएचडी एंट्रेंस पास करने के बाद अभ्यर्थियों को गाइड खोजने के लिए कॉलेजों और पीजी विभाग में भटकना नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह भी है कि सभी विषयों में पीएचडी की खाली सीटों के लिए आधार बनाकर एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन योजना है। इसलिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले पीएचडी की खाली सीटों का ब्यौरा भेजने का निर्देश दिया है। रांची यूनिवर्सिटी में अभी तक बिना प्लान के ही पीएचडी एंट्रेंस का आयोजन कर दिया जाता था, यानी एंट्रेंस में 50% अंक लाने वाले भी सभी अभ्यर्थियों को पास घोषित कर दिया जाता था। स्थिति यह है कि 5 साल पहले हुए एंट्रेंस में काफी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें अभी तक गाइड नहीं मिला है। यूजीसी द्वारा बीबी शिक्षकों को पीएचडी कराने का कोटा निर्धारित कर दिया गया है। यूजीसी के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर 174, एसोसिएट प्रोफेसर 176 और प्रोफेसर 178 पीएचडी करा सकता है। रांची बीबी में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अकेडमिक काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों का कोटा बढ़ा दिया गया है। इसके बाद भी गाइड नहीं मिलता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल जर्नलिस्ट पूर्वा के साथ। धन्यवाद।